जन साथियों, मैं कमांडो जीवराज कमांडो डिफेंस एकेडमी की तरफ से आज कुछ नया लेके आया हूँ। साथियों, दौड़ते समय सब धावकों को एक समस्या रहती है, पेट का दर्द। पेट के इस हिस्से में भागते भागते समस्या आनी स्टार्ट हो जाती है, दर्द होने लग जाता है। तो इस दर्द का कारण और निवारण इस वीडियो में बताऊंगा, आप इसे तसल्ली से देखें और समझें। अगर दोस्तों आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना कमेंट्स ज़रूर लिखें ताकि हम और बेहतर वीडियो बनाकर आप तक भेज पाएँ। जिन साथियों ने अभी दौड़ना स्टार्ट किया है उन साथियों को ये दर्द होना, क्योंकि उनका पेट कच्चा होता है, कोर एक्सरसाइज है उन्होंने कभी की नहीं होती है, इसके लिए आज इस वीडियो में कुछ एक्सरसाइज बताएंगे, उन्हें आप फॉलो करें तो आपका ये दर्द गायब हो जाएगा। साथियों, इस वीडियो में हम आपको पेट दर्द होने का कारण और उपाय दोनों बताएंगे। पेट दर्द क्यों होता है, कुछ बातें हैं रनिंग करने से पहले ध्यान में रखने योग्य। सबसे पहले तो जब आप रनिंग स्टार्ट करते हो तो उससे कम से कम 3 घंटे पहले खाना है आपको। अगर आप 3 घंटे से कम टाइम खाना खाए होता है तो इस दर्द के होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। दूसरी बात, आपको हेवी खाना कम से कम 5 घंटे पहले खाना है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आपको कम से कम 5 घंटे पहले खाना है। अगली बात, आपको रनिंग स्टार्ट करने से कम आधे घंटे पहले ही पानी पीना है, आधे घंटे तक पानी नहीं पीना है रनिंग स्टार्ट करने से पहले, नहीं तो पेट दर्द होने का मुख्य कारण। अगला है दोस्तों, पेट का कमज़ोर होना। जो मेरे युवा साथी अभी अभी दौड़ स्टार्ट कर रहे हैं उनका पेट दर्द होना स्वाभाविक है, तो उन दोस्तों के लिए सबसे मेन हिदायत है कि वो अपना पेट मजबूत करें। पेट मजबूत करने का एक वीडियो पहले हम बना चुके हैं, आज भी कुछ एक्सरसाइज आपको बताएंगे, उनको आप फॉलो करें। अगला है दोस्तों, सांस की रिदम सेट ना हो पाना। आपकी सांस की रिदम सेट नहीं होगी तो आपके ब्लैडर हैं या फेफड़े हैं वो ज़्यादा फूलेंगे। ज़्यादा फूलने से फेफड़ों का दर्द आपका साइड की जो आंत है उसमें उतरेगा और आंत के माध्यम से आपको ऐसा लगेगा कि मेरे यहाँ का क्रैम्प का दर्द हो रहा है। रनिंग करते समय इस रिब्स के नीचे, फसली के नीचे दर्द होता है इस क्षेत्र में, इसके लिए आपका पेट मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। कुछ बातें आपको पहले मैंने जो बताई है उनको आपने पालन करना है। आपका पेट मजबूत होना चाहिए, साथ में आपका पूरा का पूरा कोर एरिया भी मजबूत होना चाहिए। रनिंग के 4 इम्पोर्टेंट पार्ट हैं, थाई, पेट, कंधे और सर। चारों में कोर एक्सरसाइज करके पेट को मजबूत करना, ये वाला हिस्सा आपका यहाँ का ये पूरा मजबूत होना चाहिए। दर्द से बचाव के लिए साथियों, सबसे पहले आपको हल्का हल्का दौड़कर वार्म अप करना है। कम से कम आपको 1 किलोमीटर का वार्म अप करना है या पूरे शरीर में पसीना आ जाए जब तक आपको फुली वार्म अप होना है, उसके बाद में आप सूट ले सकते हैं। अगर आपने सीधा सूट लेना स्टार्ट कर दिया तो आपका क्रैम्प का दर्द है वो स्टार्ट हो जाएगा। साथियों, क्रैम्प के दर्द के लिए शरीर में हथेलियों में एक एक्यूप्रेशर होता है, इस क्षेत्र में दोनों हथेलियों के इस क्षेत्र में एक्यूप्रेशर होता है जो आपके यहाँ के दर्द को नियंत्रित करता है। तो जब भी आप भाग रहे हो और आपका क्रैम्प का दर्द स्टार्ट हो जाता है तो अपोजिट हैंड में कोई भी हथेली के साइज का पत्थर लेना है और उसको दबा के रखना है। ये प्रक्रिया आप जब तक दर्द गायब ना हो जब तक जारी रखें। दर्द गायब होने के बाद में इसको आप फेंक सकते हैं। ये आजमाया हुआ इलाज है, आप आजमा कर देखें, बहुत फायदा मिलेगा। साथियों, इस दर्द को निजात दिलाने के लिए कुछ एक्सरसाइज है वो बताऊंगा आपको, उनको आप रोजाना करें, उससे आपको फायदा मिलेगा। खड़े
साथियों, ये है माउंटेन क्लाइंबिंग एक्सरसाइज। इसको करने से आपका पेट और कोर एरिया मजबूत होगा। दोस्तों, अगली एक्सरसाइज है प्लैंक। इसमें शरीर फट्टे की तरह होगा, कोहनियाँ दोनों गैप में होगी, हिप ऊपर उठा होगा, नज़र सामने होगी। इसमें एक हाथ पर बॉडी वेट होना चाहिए, बॉडी स्ट्रेट होनी चाहिए, गर्दन सामने होगी और झुकी हुई नहीं होगी। यह एक्सरसाइज दोनों हाथों पे करनी है और टाइमिंग के अनुसार करनी है। इसको 3 शिफ्टों में करना है। दोस्तों, अगली एक्सरसाइज में एक जवान पीछे खड़ा होगा, दूसरा जवान पीछे हाथों से उसके पांव पकड़ेगा। घुटने टाइट होंगे, पंजे बाहर खींचे होंगे और दोनों टांगों को बिना घुटने फोल्ड किए ऊपर उठाना है। इस एक्सरसाइज से आपका ये पेटू का दर्द और पेट का दर्द दोनों गायब हो जाएंगे, साथ में आपकी थाई की जो मसल्स है वो भी रेडी हो जाएगी। इसमें थाई में फ्रैक्चर होने के चांसेस उतने ही कम हो जाते हैं। साथियों, कमांडो डिफेंस एकेडमी आपके लिए समय समय पर बहुत ही अच्छे अच्छे फिजिकली एक्सरसाइज के वीडियो लेकर आते रहते हैं, तो आप हमारे वीडियोस को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स ज़रूर करें ताकि हम अगला वीडियो इससे बेहतर बना पाएं। साथ ही कमांडो डिफेंस एकेडमी बीकानेर डिस्ट्रिक्ट के मंडी 465 RBRD नामक कस्बे पर स्थित है। तो साथियों, हम लोगों का पैटर्न 133 रुपये पर डे का है, जिसमें रहना, खाना, फिजिकल, पढ़ना सारी चीज़ें शामिल हैं। हम 133 रुपया एक जवान का रोजाना का चार्ज करते हैं। तो जो मध्यम वर्ग के या निम्न वर्ग के मेरे युवा साथी हैं, जिनको ज़्यादा फीस पेमेंट करने में दिक्कत हो रही है, उनका हम स्वागत करते हैं और उनको आर्मी के लिए तैयार करने की पूरी जिम्मेवारी लेते हैं। मैं कमांडो जीवराज आपको ट्रेनिंग के लिए आमंत्रित करता हूँ। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 82 09 900 9000। आपको फिजिकल से संबंधित कभी भी कोई भी सलाह लेनी हो, भर्ती से संबंधित कभी भी कोई भी सलाह लेनी हो, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपका छोटा या बड़ा भाई मानकर। मैं आपको तहे दिल से और अच्छी सलाह देकर अपने आप को कर्तव्य महसूस करूँगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।